वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट जितनी बार हो। ठीक है, एक होती है पी, पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पी और क्यू में से एक ही चाहिए हमें, पी प्लस क्यू वन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब पी दी होगी तो क्यों निकाल लेंगे, क्यों दी है तो पी निकाल लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, रिलेट करके। और आर निकालना होता हमें, आर क्या होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। और साथ में कंडीशन क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बर्नौली ट्रायल। ठीक है, बर्नौली ट्रायल जिसमें चार कंडीशन थी। ठीक है, चार कंडीशन अभी याद होनी चाहिए, फाइनाइट थी, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें दो ही आउटकम हो, फेलियर और सक्सेस वाली। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सभी ट्रायल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी सभी ट्रायल में, ये कंडीशन थी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल है सबसे पहले कि फाइव कार्ड्स आर ड्रोन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो ये वर्ड है विद रिप्लेसमेंट, इसी से पता चलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, क्यों, बर्नौली ट्रायल में ये भी तो कंडीशन थी कि सेम रहनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी ट्रायल हैं उनका एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट ना हो, किस तरीके से, जैसे शुरू में 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, मतलब ये शुरू के लिए जो पहला कार्ड निकला, ठीक है, पांच कार्ड निकालने में पहला कार्ड निकला, ये विद रिप्लेसमेंट के दो मतलब है, एक तो ये वन बाई वन भी है, ठीक है, तभी विद रिप्लेसमेंट होगा, जैसे एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ही तो किसी को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट होता किसका है, जब एक के बदले दूसरे का, मतलब कम से कम दो होने चाहिए, तो पांच है तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट इसीलिए है। ठीक है, वन बाई वन भी है, जैसे एक कार्ड निकाला, उसके पास कितने ऑप्शन है, उसके पास 52 के 52 ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा कार्ड निकालेंगे जब, ये तो है पहली ट्रायल। ठीक है, जब दूसरी निकालेंगे उसके पास भी तो 52 होनी चाहिए, तभी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, इसीलिए विद रिप्लेसमेंट है। इस तरीके से ये सेकेंड ट्रायल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई होगा। अब इन न्यूमेरिकल में कंडीशन गिवन है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि हर बार पी और क्यू में से एक दे दें। ठीक है, कोई कंडीशन भी हो सकती है उस को कि पहले पी और क्यू निकालिए, किस तरीके से, जैसे फाइव कार्ड्स आर ड्रोन, अब यहाँ से समझ में आता है कि पांच कार्ड निकाल ले। ठीक है, 52 कार्ड में से, ये तो है सिर्फ सैंपल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल स्पेस का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, जहाँ से काम हो, मतलब जित कुछ निकाला गया हो, फाइव कार्ड्स आर ड्रोन, या फिर कुछ सेलेक्ट किया हो, ड्रा किया हो, थ्रो किया हो, इस तरीके से। ठीक है, कुछ काम हुआ हो, कुछ इवेंट हुआ हो, वो इम्पोर्टेंट है। पांच कार्ड निकाल ली, इसका मतलब क्या हुआ, पांच कार्ड निकालने का इस तरीके से मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स है पांच, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए हम एन कह सकते हैं पांच, इस वर्ड की वजह से, विद रिप्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें किस तरीके से, दैट नन इज स्पेड। अब स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है, हुक्म, मतलब एक सूट होता है, जैसे कार्ड है, कार्ड में दो बातें होती हैं, 52 कार्ड की दो बातें होती हैं, एक तो उसमें चार सूट होते हैं, या फिर कहीं चार टाइप होती हैं। ठीक है, और दो कलर होते हैं। चार सूट कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ठीक है, डायमंड, अर्ट, पान, ईट, क्लब, चिड़ी के लिए, और स्पेड हुक्म के लिए। ठीक है, इन सभी टाइपों के 13 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, और दो कलर, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ये दोनों ब्लैक के, तो दो कलर कौन कौन से, रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड कलर के कितने कार्ड हुए, 13, इसके 13, इसके 26, 26 ब्लैक होंगे, इस तरीके से। ठीक है, दो बातें। अब हमें अभी इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखे, एन गिवन है फाइव, सीधा ही दिख गया कि पांच कार्ड निकालने, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए एन है फाइव। ठीक है, अब सैंपल स्पेस का कोई काम नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट नन इज स्पेड। अब यहां से इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सोचना हमें कि पांच कार्ड निकाल ले, काम तो यहां से शुरू हुआ है, पांच कार्ड निकाल ले, कितने ऑप्शन है, उनमें से हमें स्पेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
हो सकता है जीरो। जीरो एक ऐसा तरीका है जिसका मतलब है कोई भी कार्ड स्पेड ना आया हो, मतलब जीरो कार्ड आर स्पेड, इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर वन, वन का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेड आया हो, एक स्पेड आया हो और बाकी इन तीनों में से होगा, बाकी इन तीनों में से मतलब चार कार्ड इन यहां से होंगे इस तरीके से, इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर दो के लिए, फिर तीन के लिए, चार के लिए और पांच के लिए, मैक्सिमम पांच ही हो सकते हैं, पांच कार्ड निकल ले, पांचों स्पेड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट नन इज स्पेड, मतलब सिर्फ इसकी, मतलब जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट है, या फिर कहें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, मतलब जैसे फाइनाइट नंबरों, जहाँ पर तरीकों जितने भी तरीके हों वो फाइनाइट होने चाहिए इस तरीके से, मतलब सिर्फ इसके लिए सोल्व करना हमें, जीरो के लिए। ठीक है, अब एन गिवन है, अब यहाँ पर कहीं पर भी पी और क्यू तो गिवन है नहीं, आर का मतलब समझ में आया, अक जीरो के लिए निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एन सी जीरो, मतलब एन सी आर फॉर्मूला तो ये है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, एन कितना है 5, सी आर जीरो के लिए, पी, अब पी और क्यू तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब पी और क्यू किस तरीके से होंगे, अब सीधी सी बात है, ये बात हमें सोचनी है, और ये सोचने वाली बात यहाँ से थी। ठीक है, कि ये 52 कार्ड्स, ये बातें हमें पता हो कि चार सूट या फिर चार टाइप होती हैं, दो कलर होते हैं। अब बात चल रही है स्पेड, स्पेड कहाँ पर है, टाइप में है स्पेड। ठीक है, टाइप में है जिसमें स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है, स्पेड की। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पी क्या होता है, पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की। अब सक्सेस तो तभी मिलेगी जब हमें स्पेड मिले, वो एक अलग बात है, हमें एक भी स्पेड ना मिल ना चाहिए, वो एक अलग बात है, हमें स्पेड यहाँ पर नहीं चाहिए, जीरो का ये मतलब है। ठीक है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब हमें क्या हो, स्पेड आए। अब स्पेड होते हैं 13, ये हमें पता होना चाहिए, 13 स्पेड होते हैं, कितने में से होते हैं, 52 में से, बस यही प्रोबेबिलिटी है। ये नीचे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ऊपर फेवरेबल केस 13 है, नीचे सैंपल स्पेस, इस तरीके से। ठीक है, 1/4, बस आ गई पी, क्यू अपने आप आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले से, इससे पी प्लस क्यू 1 के बराबर, तो क्यू बचा 3/4, बस यहाँ पर पुट करने है। ये बातें हमें सोचनी कि पी और क्यू कहाँ से लिख दिए और क्यों लिख दिए। ठीक है, ये सक्सेस के लिए, सक्सेस तभी मिलेगी जब स्पेड हो, वो एक अलग बात है, सिर्फ इस केस का जिक्र है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ से भी हो सकता था केस कि एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो अलग बात है, न्यूमेरिकल का मतलब उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिली लेकिन वो ट्वाइस है, किससे, फेलियर से। ठीक है, एज इट फेल्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर पी और क्यू का मतलब होगा, ठीक है, सक्सेस मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर की रिलेट है, किस तरीके से, कि सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी कब, जब दो बार फेल हो चुका हो, इसका ये मतलब कि सक्सेस ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी, पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, सक्सेस मिलेगी कब, जब दो बार फेल हो, मतलब 2Q, इसका ये मतलब है, ये कंडीशन गिवन है, पी इज इक्वल टू 2Q, ये सेकंड न्यूमेरिकल के लिए गिवन है। ठीक है, इस तरीके की भी कंडीशन हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू चाहिए, बस इस इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से पी और क्यू हम थोड़ी ना निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब वो कैलकुलेट नहीं होती, जितनी इक्वेशन हो, ठीक है, जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशन होनी जरूरी होती है। ठीक है, ये भी बेस है या फिर कहीं मेन पॉइंट है, जैसे दो वेरिएबल हैं तो कम से कम दो इक्वेशन होनी जरूरी है। पी और क्यू इन दोनों को रिलेट करके निकाल लेंगे हम, किस तरीके से, पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो 2Q+Q 3Q = 1, इस तरीके से क्यू आई 1/3, तो पी कितना बचा 2/3,
बस कोई भी कंडीशन हो सकती है। आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, इसका मतलब क्या है, एन है 6, ये नहीं है कि नेक्स्ट वर्ड लिख दिया तो 7 होगी, ये सिर्फ नेक्स्ट 6 ट्रायल का ये मतलब कि कोई पहली ट्रायल आई जिससे ये रिजल्ट आया कि सक्सेस मिली जब 2 बार फेल हो चुके हों, इसका ये मतलब है। ठीक है, एन है 6, बस एन पी क्यू है और एटलीस्ट 4, अब इसका मतलब क्या है, 6 ट्रायल होंगी कम से कम 4, मतलब 4 के लिए, फिर 5 के लिए, 4 से 4 और 4 से ज़्यादा जितने भी हों, एटलीस्ट का ये मतलब होता है, इनकी निकालनी हमें बस। अब इसी टाइप से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इन एम सी क्यू एग्जामिनेशन, ठीक है, एम सी क्यू एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर, ठीक है, यहाँ पर यही कंडीशन है कि एम सी क्यू में वैसे 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर ये गिवन है कि 3 पॉसिबल आंसर है, 1 इज करेक्ट ओनली, जिसमें से एक ठीक होगा, ठीक है, 2 भी ठीक हो सकते हैं, वो कंडीशन किसी भी तरीके की हो सकती है, बस यहीं से सोचना है। पी पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब सीधी सी बात है, सक्सेस तो तभी मिलेगी कोई पेपर दें उसमें आंसर सही आए, आंसर सही आने कितनी है, फेवरेबल केस है 1, मतलब एक आंसर सही है कितने में से, 3 में से, इस तरीके से क्यों, किसके बराबर हुआ, 2/3। कभी ये भी हो सकता है कि 3 पॉसिबल आंसर हैं, ठीक है, और 3 नो सही हो, तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि 3 पॉसिबल आंसर हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल भी होते हैं जिसमें 3 नो आंसर होते हैं, तो पी वहां पर 3/3 बचेगा या फिर कहें 1, और वो श्योर इवेंट होगा, तो क्यों की बचेगी 0, कंडीशन किसी भी तरीके की हो सकती है, कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है, तो इस लाइन से ये पता होना चाहिए कि पी है 1/3। आगे क्या है, 5 क्वेश्चन है तो ये एन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाई गैसिंग, ठीक है, मतलब उसको सिर्फ तुक्का मारना है, वो 4 और 4 या फिर 4 से ज़्यादा आंसर सही होने चाहिए, मतलब 4 और 5, मैक्सिमम तो 5 है, एक्स इज इक्वल टू 4 और 5 के लिए सोल्व करना है, बस फॉर्मूला याद हो हमें ये वाला, बस आगे कैलकुलेशन है, ठीक है, इस टाइप से न्यूमेरिकल हमारे पास, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।